चलिए तो मैं बता रहा था कि हम लोग आज जीएस पढ़ेंगे देखिए गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगते हैं पॉलिटी हमेशा ध्यान रखना है कि जीएस पढ़ना है आपको प्रेम्स में जीएस आता है या जीएस में सोचा जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन इसके इसके अंदर एक सेक्शन होता है फिर जीएस जनरल साइंस तो जनरल साइंस में हमें वो साइंस नहीं पढ़ना है जो हम एकेडमिक्स में पढ़ के आए हैं यानी पूरा हमें उन उन टॉपिक्स को कवर करना है जिसमें क्या होता है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री से हिस्ट्री जब पढ़े होंगे आप कितने लोग पढ़े हैं हाथ उठाने के भाई पूछेंगे नहीं घबराइए नहीं ठीक पहले दिन से आप लोग असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हो हाथ ही नहीं उठाएंगे तो हिस्ट्री जैसे तीन सेक्शन में होता है एंसियंट मेडाइवल एंड मॉडर्न तो पढ़ते समय आप ध्यान किस बात का देते हैं कि जिस सेक्शन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेक्शन पे हम ज्यादा मेहनत करेंगे जिस सेक्शन से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो एंसियंट मेडाइवल मॉडर्न में कहा से क्वेश्चन अधिक होते हैं मॉडर्न से तो वैसे ही साइंस भी तीन सेक्शन में होगा देखिए आपके सिलेबस जो मिला है उसमें होगा तीन पार्ट लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस के दो पार्ट होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ठीक तो उसमें लाइफ साइंस को एलेबोरेट किया गया है कि का क्या, क्या क्या हम लोग कैसे-कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया गया क्यों क्योंकि आप बहुत दिन पहले की बात नहीं है कुछ ही दिन पहले पीसीएस का एग्जाम हुआ है हुआ है ना देखे थे पेपर कितने लोग नहीं देखे पेपर अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था ईमानदारी से बताइए कितने लोग पेपर नहीं देखे हैं नहीं देखे हैं चलिए कोई बात नहीं तो आपने देखा उसमें कि थर्टी प्लस अप्रोक्स क्वेश्चन थे साइंस के देखा था तो ये जो जनरल साइंस मैंने बताया ये तीन पार्ट में होता है पहला होता है लाइफ साइंस इसको बायोलॉजी भी बोलते हो आप जीव विज्ञान दूसरा पार्ट होता है फिजिक्स भौतिक विज्ञान और तीसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री विज्ञान तो इस मान लीजिए ये जो मैंने लिखा यहां की थर्टी प्लस क्वेश्चन है तो आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस यहीं से थे और इसी साल नहीं हर साल उसके पीछे उसके पीछे या ज्यादा दिन नहीं तीन चार दिन उग जाओ आरओ का पेपर आ रहा है ना देख लेना ज्यादा दिन की बात ही नहीं तीन चार दिन क्लास करो पांचवें दिन आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला पांच क्वेश्चन में करंट से रिलेटेड ही होता पिछले दस महीने में जो हुआ है देखेंगे वहीं से कहीं ना कहीं से रिलेट करके पूछा जाता है तो थोड़ी काम की बात कर ले हम लोग फिर ज्ञान की बात तो करेंगे ही जैसे पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता कि गधे की तरफ गधा भी तो मेहनत करता है करता है ना लेकिन उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती नहीं मिलती तो ये ध्यान रखना है आपको देखिए तो सोइए नहीं अभी तो शुरू कर रहे हैं कहानी प्रवचन और अभी आप झपकी लेना शुरू कर दे रहे हो तो हमें मेहनत सही दिशा में पुराने जो है समझ जान ही रहे होंगे मैंने पहले भी बताया था कि कितने लोग अभी अपने आप को ये समझते हैं विद्यार्थी बताइए हाथ उठाइए थोड़ा उठा इसमें शर्म की क्या बात है यार मैं तो समझता हूं अपने को अभी भी क्यों क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो भी पढ़ाऊंगा क्या आपको बताऊंगा क्या कितने लोग हैं हम्म, चलिए ठीक तो एक शोक संदेश आपके लिए कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा कि अब आप ये नहीं हैं अगर ये रहोगे तो गड़बड़ है भाई आप क्या हो गए हैं एस्पिरेंट प्रतियोगी दोनों में अंतर क्या होता है अप्रोच का अंतर होता है बस और कुछ नहीं पढ़ना वही चीज है अप्रोच का अंतर होता है यह नॉलेज के लिए पढ़ता है ज्ञान के लिए पढ़ता है और यह पढ़ता है सिलेक्शन के लिए देखे होंगे आपके बहुत सारे सीनियर होंगे या रिलेटिव होंगे कई दिन से तैयारी कर रहे होंगे कई साल से कर रहे होंगे हर साल कभी एक क्वेश्चन से रुक जाता है कभी दो नंबर से रुक जाता है कभी चार नंबर से और कुछ भी पूछो एकदम सचित्र वर्णन कर देंगे यानी ऐसा समझाएंगे कि आप फील कर जाएंगे उसको विजुलाइज कर लेंगे फिर भी हमें आपको डर तो लगता है जब इनको इतना आता है इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम मेरा कहां से होगा जी नहीं वो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं उनके पास ज्ञान खूब है पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होता है आपको पढ़ना किसके लिए है सिलेक्शन के लिए तो ध्यान रखिएगा पहली बात कि यह ज्ञान कोचिंग में नहीं मिल सकता कभी भी और वो भी यह सिविल की कोचिंग में यह मिलता आपको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में या फिर जो एकेडमिक्स की कोचिंग होती है वहां मिलता इसके लिए आपको करना पड़ता स्टडी मेहनत और यहां जो है आपको यहां आप कोचिंग आपकी सिविल की कोचिंग काम आती और स्टडी से काम नहीं चलेगा पढ़ने से काम नहीं चलेगा लकीर का फकीर नहीं होना यहां क्या करना है एक मतलब तो जाइए स्मार्ट बनिए फिर क्या करिए पढ़िए नहीं स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है जो पढ़ने जा रहे हैं क्यों पढ़ने जा रहे हैं बहुत दिन से बचपन से जब से बोलना सीखे तब से एफआर शुरू कर, करवा दिया गया आज भी हमें पढ़ना पड़ रहा है तो हम क्यों पढ़ें? सबसे पहले हमें समझना है क्यों पढ़ें भाई साइंस हम आर्ट्स के हैं हम कॉमर्स के हैं हम एग्रीकल्चर के हैं हम यहां बायोलॉजी क्यों पढ़ेंगे यानी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी रेलिवेंसी क्या है आपके सिलेक्शन में ज्ञान नहीं लेना ज्ञान तो आप लेके बैठे तो हर और ये कैसे चेक करेंगे ये बताता है, आपका सिलेबस सिलेबस तो जो ये आपको मिला है आयोग में ऐसे डिफाइन होता नहीं है आयोग बस एक शब्द लिखता है जनरल साइंस तो फिर ये कौन आपकी कोचिंग को यूपी जो चेयरमैन है वो आके बताया था कि ये ये पढ़वा दीजिए कैसे डिफाइन हुआ कि हम ये पढ़ेंगे ये कम पढ़ेंगे ये ज्यादा पढ़ेंगे ये भी तो समझना होगा ना कैसे डिफाइन हुआ ये ये बताता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न कि पिछले दस साल में क्या पूछा जा रहा है कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो पैटर्न एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आना तो सबसे पहली चीज है सब लोग पूछते हैं क्या पढ़े तो सबसे पहले तो अगर कुछ खरीदना है आपको तो प्रीवियस का क्वेश्चन सेट खरीद लीजिए जो आता है ना सोल्व और उसमें सबसे अच्छा होता है घटना चक्र वालों का उन्होंने मुझे कमीशन नहीं दिया है अच्छा होता है इसलिए कह रहे हैं कि क्या घटना चक्र हर सब्जेक्ट वाइज क्या है अलग कर दिए हैं उसमें टॉपिक वाइज भी अलग कर दिए तो सबसे पहले वही खरीद लीजिए इससे यह पता चलेगा कि क्लास में केवल फालतू का प्रवचन हो रहा है कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी रिलीवेंसी है कभी पूछा उछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है अगर पूछा जाता है तो सही बात है ठीक ट्रैक पे है नहीं पूछा जाता है तो ट्रैक चेंज करने की जरूरत है ध्यान रखिएगा तो स्मार्ट स्टडी में जो भी हम स्टडी करेंगे उसकी रिलीवेंसी क्या है प्री में कहा पूछा जाता है मेंस में कहा पूछा जाता है इंटरव्यू में कहा पूछा जाता है ये हमें पता होना चाहिए हम लोगों का जो तो टॉपिक है वो तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में होता है। साइंस के बिना काम नहीं चलता है अब बात आती है पढ़े क्या चीज कौन सी किताब पढ़े तो जैसे हिंदू धर्म में गीता होती है मुस्लिम धर्म में कुरान ईसाई में बाइबिल वैसे ही अगर सिविल सर्विसेज को एक धर्म माना जाए तो इस धर्म की पुस्तक का नाम है एनसीईआरटी, -E ठीक है कुछ नहीं पढ़ना सेवन एट नाइन सात आठ नौ की एनसीईआरटी साइंस -E की पढ़ लीजिए उसके बाद आप फीस जमा किए हैं, बैग के साथ किताबें भी तो मिली होंगी केवल बैग मिला था बैग दिख रहा है तो बोल दे रहे हैं किताबें भी मिली होंगी ना वो किताब पढ़ लीजिएगा और नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस इस yes के क्वेश्चन पांच सौ बार लगा डालिए जितनी बार करेंगे उतना आपके लिए समझ लीजिए विटामिन का काम करेगा विटामिन क्या होता है कुछ दिन में आ जाएगा आजकल में कि विटामिन होता क्या है